नमस्कार। राजस्थान प्रदेश ने लोगों का कोरोना पर से ध्यान हटाने का बहुत बड़ा काम किया है। प्रदेश में हो रहे राजनीतिक बवाल के चलते सरकार का तो ध्यान कोरोना से हट ही गया है। इसके अलावा प्रदेश की मीडिया का भी ध्यान पूरी तरह से इस राजनीतिक बवाल पर ही टिका है। होटल की किलेबंदियों के भीतर इतना कुछ हो रहा है कि हर किसी की नजर सिर्फ इसी पर है। बड़ा सवाल ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बाड़ेबंदी ढीली पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसी खबरें मिल रही हैं कि कई विधायक गहलोत की बाड़ेबंदी से निकलना चाहते हैं और पायलट की तरफ जाना चाहते हैं, और इस नाराजगी को वो जैसलमेर के होटल में खुलकर दिखा भी रहे हैं। ऐसे विधायकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आ रहा है दानिश अबरार का। अबरार बकरीद के दिन नमाज पढ़ने के लिए अपने कमरे से बाहर ही नहीं आए। दानिश अबरार पहले से ही पायलट खेमे के माने जाते हैं। इस तरह की नाराजगी बता रही है कि अगर वो गहलोत से ऐसे नाराज देखे तो फिर फ्लोर टेस्ट के दिन वो पायलट के पक्ष में जा सकते हैं। कुछ ऐसा ही हाल दिव्या मदेरणा का भी दिखा। रक्षाबंधन के दिन दिव्या मदेरणा सभी महिला विधायकों के साथ गहलोत को राखी बांधने के लिए नहीं आई थी, जिससे उनकी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर हो गई। आपको बता दें कि दिव्या मदेरणा उन्हीं महिपाल मदेरणा की जिनको राजस्थान की सियासत के भेंट चढ़ा दिया गया था, और भवरी देवी कांड के चलते वो आज तक जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसकी वजह से भी वो अशोक गहलोत से हमेशा नाराज रहती हैं। यही नहीं, खबरें ये भी मिल रही हैं कि गहलोत की किलेबंदी में सेंध लगाने में सचिन पायलट अब कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पक्ष के विधायकों की संख्या बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत किसी भी तरीके से पायलट कैंप के विधायकों को मनाने में लगे हैं और उनके इलाकों में लगातार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि ये राजनीतिक ड्रामा खत्म कैसे होगा और कैसे राजस्थान प्रदेश के विकास की तरफ भी इन नेताओं और इस सिस्टम का ध्यान जाएगा। पिछले कई दिनों से हर रोज कोरोना के मरीज प्रदेश में 1000 से ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन हमारे नेता, हमारा सिस्टम हम पर कैसे ध्यान देगा जब उनका सारा ध्यान तो अपनी कुर्सी बचाने पर ही लगा हुआ है। क्या आपने कभी ऑनलाइन प्रमोशंस के बारे में कुछ सोचा है? नहीं तो आपको सोचना चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो या आपका स्मॉल बिजनेस हो या फिर हो मल्टीनेशनल कंपनी, आपको अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। नंबर वन, अट्रैक्टिव वीडियो। सोचिए, ऑनलाइन कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आता है और उसे आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एक अच्छे से वीडियो के साथ बताते हैं, जिससे आपका प्रोडक्ट अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। इससे आप अपनी साइट पे ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं, जो आपकी सर्च इंजन से आपकी SEO रैंक को इम्प्रूव करता है। नंबर टू, अट्रैक्टिव स्पोक्स पर्सन। आपके प्रोडक्ट को समझाने के लिए स्पोक्स पर्सन आपकी मदद करेगा। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस देता है आपको एक अच्छा वीडियो एडवर्टाइजमेंट। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, वो भी बिल्कुल किफायती दामों में। तो फिर देर किस बात की, आज ही कॉन्टैक्ट करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।